आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली है। आज सुबह से लोग नदियों में स्नान कर रहे हैं, इसीलिए सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। वाराणसी में गंगा के मुख्य घाटों के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। यूपी में आज सरकार इस मौके पर गंगा महोत्सव मना रही है। अयोध्या में दीपावली पर 12 लाख दिए जलाए गए थे, तो आज वाराणसी में गंगा घाटों को 15 लाख दियों से रोशन किया जा रहा है। वाराणसी के आदिकेशव घाट से लेकर 80 घाट तक सभी 84 घाटों पर आज दिए जगमगाएंगे। आज 80 घाट पर जोरदार आतिशबाजी भी होगी और विभिन्न घाटों पर गंगा आरती भी की जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए देव दिवाली दानवों पर भगवान शिव की जीत का जश्न मनाती है। और यही कारण है कि पंचांग के अनुसार इस दिन को त्रिपुरोत्सव या त्रिपुरानी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, हरिद्वार, वाराणसी, अयोध्या की तस्वीरें। आप देखिए किस तरीके से वहाँ पर तैयारियाँ हैं। अयोध्या में आपने दीपावली देखी थी, दीपोत्सव देखा था, लेकिन आज वाराणसी के घाट जगमगाएंगे देव दीपावली के मौके पर। प्रयागराज से मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मानवेंद्र, देव दीपावली और देव दीपावली के मौके पर आज चूंकि कार्तिक पूर्णिमा भी, लोग घाटों पर पहुंचते हैं। बात प्रयागराज की हो तो संगम की तस्वीरें क्या है जरा दिखाइए। जी बिल्कुल, सीधे तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप देखें कि बेहद सुबह से बेहद ठंडे मौसम में और भोर से लोगों के स्नान करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर संगम की तस्वीर देखें तो सामने सैकड़ों की संख्या में नावें दिखाई दे रही हैं, जिसमें नावों में बैठकर के लोग लगातार संगम के घाटों पर पहुंच रहे हैं, सड़क मार्ग से पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ घाटों पर जमा है, कई किलोमीटर का घाट है। और जिस तरह की मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, इस आज के दिन गंगा स्नान करने से, दीपदान करने से और दान करने से विशेष पुण्य मिलता है, विशेष पुण्यदायी होता है आज का गंगा स्नान, पवित्र नदियों का स्नान। और इसी के चलते भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। और यहां पर शाम को भव्य देव दीपावली का आयोजन भी किया गया है। 5 लाख दीपों से ये पूरा गंगा घाट जो है वो जगमगाएगा। उसके पहले सुबह पूर्णिमा, जो सबसे खास पूर्णिमा होती है, साल में कई पूर्णिमाएँ होते हैं लेकिन कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। और ये माना जाता है कि आज के दिन स्नान कर लेने से सभी पूर्णिमाओं का पुण्य फल प्राप्त होता है। और इसी के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देखिए, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, हर आयु वर्ग के लोग हैं। और लोग अपने प्रयागराज के अलावा आसपास के ज़िलों से, दूसरे राज्यों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं स्नान करने के लिए। संगम में वैसे भी स्नान का विशेष महत्व होता है और पूर्णिमा स्नान तो खास होता है। हर पूर्णिमा को यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, भीड़ लगती है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा की बात अलग होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ पर देश भर से श्रद्धालु पहुँचते हैं और स्नान करते हैं। थोड़ी सी मौसम में सेहरन है, ठंड है, बावजूद इसके लोगों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी। और दिन भर यहाँ पर आपको इसी तरह से लोगों का स्नान, दान, पुण्य देखने को मिलेगा। तो आज का दिन जो है संगम के घाट पर इसी तरह से लोगों का जमावड़ा रहेगा। लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार यहाँ पर पूजा करेंगे, दान पुण्य करेंगे, स्नान करेंगे, दीपदान करेंगे। ये माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करने से विशेष फल मिलता है, माँ गंगा प्रसन्न होती हैं। और जिस तरह से मान्यता है, लक्ष्मी की पूजा होती है। और ये भी माना जाता है कि आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरारी नाम के राक्षस का वध किया था और इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो तमाम आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं और उन्हीं के चलते लोग यहां पर पहुंचते हैं। ठंडा मानवेंद्र, वाराणसी में खास तौर पर आज देव दीपावली का आयोजन होगा। अयोध्या में दीपोत्सव हमने देखा था, प्रयागराज की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। एक लंबे अरसे बाद घाटों पर भीड़ उमड़ी है क्योंकि कोरोना का संक्रमण काल, और उस संक्रमण काल में तमाम बंदिशें भी थी, केसेस कम हैं, तो लोग घाटों पर उमड़े भी हैं। जो श्रद्धा है वो श्रद्धा दिखाई भी दे रही है। जी बिल्कुल, काफी समय बाद संगम पर एक बार रौनक लौटी है। अगर हम आपको सीधे सामने दृश्य दिखाएं तो जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ यहां पर लगातार जमा हो रही है, जिस तरह से जो नावें हैं उनमें बैठ करके लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिस तरह की रौनक है, जिस तरह से साइबेरियन बर्ड्स अगर आपको सामने हमारे कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, हर साल सर्दी के मौसम में यहाँ पर पहुँचते थे, यहाँ पर पहुँचते हैं और बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और पूरे इस मौसम में यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद वापस रवाना होते हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो पूरी रौनक एक तरह से कह सकते हैं गुलजार हो चुका है संगम। ठीक है, चलिए मानवेंद्र, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।